देखिए, पाकिस्तान जो भी कुछ करता है आतंकवाद के सिलसिले में, उसका एकमात्र उद्देश्य है भारत की सॉवरेंटी को, भारत के अस्तित्व को एक प्रकार से चुनौती देने का। तो वो करता, पहले आतंकवाद करता है, फिर जब आप आतंकवादियों को पकड़ते हैं तो उनकी मदद को आता है। एक ज़माने में वो कहता था कि ये तो आज़ादी की लड़ाई है, तो उसके हिसाब से वो सारे अपने रिएक्शंस देता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी घिरा हुआ है, तो किसी न किसी बहाने से वो भारत को लपेटने की कोशिश करता है, और ये इसी तरह से दिखा रहा है कि भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। ये हमारी भी कमज़ोरी है, हमारी सरकार की, कि जो उन्होंने उनसे पहले आतंकवाद को बिना ख़त्म किए हुए बातचीत करनी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने जो शर्म अल शेख में ये कहा कि बातचीत और आतंकवाद दोनों चल सकते हैं, उसका नतीजा है। लेकिन क्या सर, यही लगता है कि हमने पार्लियामेंट में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था 1994 में, और आपने कश्मीर को जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बताया था, तो क्या ये सदन ने, पार्लियामेंट ने आपके उस रिजोल्यूशन को भुला दिया है, 94 के रिजोल्यूशन? मैं समझता हूँ पार्लियामेंट ने तो नहीं भुलाया है, देश ने भी नहीं भुलाया है, मगर सरकार ने भुला दिया है। सर, बीजेपी का हाउस में आज का स्टेट देखिए जोशी जी, पाकिस्तान से एक कैदी चमेल सिंह की बॉडी आई है, उसका लीवर किडनी सब निकाल लिया गया है, ये पाकिस्तान की दगाबाजी पे क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में दरिंदगी की कोई सीमा नहीं है, वो किसी हद तक जा सकते हैं। यहाँ से सैनिक को उठा के उसका सिर काट के ले जा सकते हैं, वहाँ के लोगों का अंग निकाल के रख सकते हैं, तो ये एक बारबेरिक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी की सरकार के काम।